प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उनके इस फैसले से दुनिया हैरान रह गई थी। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक लगातार 3 सफल परीक्षण के बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का ही नतीजा था कि उस समय की केंद्र सरकार देश की परमाणु नीति का और परमाणु अस्त्रों को तैनात करने के विकल्प का पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार हो गई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने भी सेना की मांग सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन देशों की परमाणु अस्त्रों और मिसाइलों की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार सेना की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता विकसित करे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी तो उसे आगे बढ़ाने का काम 2014 में बनी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उसी की वजह से सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना को लगातार आधुनिक परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। आज भारतीय सेना के पास आधुनिकतम मिसाइलों का जखीरा है। वायु सेना को भी राफेल सरीखे फाइटर प्लेन लाकर मजबूत किया गया है। नेवी को भी लगातार सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। गुरुवार को भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही INS अरिघात सबम रीन उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस पनडुब्बी को दुश्मनों के लिए काल बताया जा रहा है। परमाणु बम से लैस INS अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। INS अरिघात के 15 मिसाइल से लैस होगा, जो काफी खतरनाक है। भारतीय नौसेना में पहले शामिल हो चुके INS अरिहंत और अरिघात में काफी समानता है। INS अरिघात देश के परमाणु त्रय या जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए समंदर में तैनात हो जाएगा। भारतीय नौसेना तब और ताकतवर हो जाएगी जब तीसरा SSBN यानी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ परमाणु चालित पनडुब्बियों के लिए नौसैनिक भाषा थोड़ा बड़ा 7000 टन का जहाज अगले साल कमीशन हो जाएगा। INS अरिदमन कहलाने वाला ये जहाज के 4 मिसाइलें अपने साथ ले जाएगा, जो 3500 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर वार कर सकती हैं। देश के परमाणु त्रय के तीनों अंगों में समुद्री ताकत ही अपेक्षाकृत कुछ कमजोर पड़ रही थी। उसे और मजबूती देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लागत से ATV परियोजना के तहत एक चौथा SSBN भी बनाया जा रहा है। SSBN नौसेना के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल है। इसकी खासियत ये होगी कि दुश्मन द्वारा किए गए अचानक हमले से बच सकता है और जवाबी हमला करने में सक्षम होगा।